हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 386 से 400 तक। ये वाला लेक्चर हमारा छूट गया था फ्रेंड्स, तो इसलिए अभी फिर से बनाया मैंने इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386। इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ सेंट्रल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ए सेंट्रल लोड इन द केस ऑफ ए बीम फ्रीली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स एंड टू द बीम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स विल बी। तो रेशियो निकालना है फ्रेंड्स। इसमें एक बीम है फ्रीली सपोर्टेड, मतलब सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड्स पर, ठीक है, और उसमें क्या लग रहा है हमारा सेंट्रल लोड लग रहा है, पॉइंट लोड। और दूसरी बीम क्या है हमारी, फिक्स्ड बीम है दोनों एंड्स पर, और उसमें भी हमारा क्या लग रहा है, सेंट्रल लोड लग रहा है। तो दोनों का रेशियो निकालना है डिफ्लेक्शन का। तो देखते हैं हम क्या होगा। ये अपन देख चुके हैं कई बार, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा कहाँ आएगा, मिडिल में। और मिडिल में कितना आएगा, पी एल की ओपन में 48 EI, डब्ल्यू एल की ओपन में 48 EI। और ये क्या है, फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम के लिए हमारा जो लोड आता है, पी हमारा क्या है, सेंट्रल लोड लग रहा है, और इसके लिए जो डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है, पी एल की ओपन में 192 EI, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, पी एल की ओपन में 48 EI इंटू में 192 EI ओपन में पी एल की ओ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 387। इसमें पूछा है देयर आर टू बार्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल वॉल्यूम एंड सेम मटेरियल, वन हैविंग स्टेप डायमीटर एंड अदर हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर। इफ मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन बोथ बार्स इज सेम देन स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स स्टोर्ड एनर्जी, मतलब स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। और स्ट्रेन एनर्जी दो बार हैं, एक में क्या है स्टेप डायमीटर दी है, और एक में क्या दी गई है यूनिफॉर्म डायमीटर, जिसके लिए क्या है वॉल्यूम सेम दिया गया है, लेंथ सेम दी गई है, और मटेरियल भी सेम दिया गया है। और उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है दोनों बार में, वो भी क्या है हमारी सेम है। तो पूछा गया है कि दोनों में क्या होगा, किस बार में मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, मोर इन स्टेप डायमीटर, किस बार में जो स्ट्रेन एनर्जी है ज़्यादा होगी, कम होगी, या इक्वल होगी, या अदर चीज़ों पे डिपेंड करेगी, वो पूछा गया है। तो देख लेते हैं, ये इस तरीके का फर्स्ट केस क्या है, स्टेप डायमीटर है, ये D1 डायमीटर ले ली, ये D2 है, और P लोड लग रहा है हमारा, लेंथ L है टोटल, और ये इसमें ये नहीं दिया गया है ये कितनी डायमीटर की है और ये कितने डायमीटर की, अभी इसलिए हमने क्या ले लिया है इसको, L/2 L/2 ले लिया है बराबर। और ये क्या है कैपिटल D डायमीटर, और इसकी भी लेंथ क्या है हमारी L है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी लेंथ L है। तो इसमें पूछा गया है हमारी जो स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में वॉल्यूम। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम दिया गया है, और स्ट्रेस भी हमारी क्या दी गई है, सेम दी गई है। तो वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 दोनों सेम है, और स्ट्रेस भी हमारी क्या है दोनों में सेम है। तो हमारी क्या होगी, बचेगी स्ट्रेन बचेगी, तो यू जो है स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगी। मतलब स्ट्रेन जिस बार में ज़्यादा होगी उसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेन अगर निकालें अपन फर्स्ट केस में, इस केस के लिए निकालें स्ट्रेन, तो क्या होगी, ये P1L1, ये डिफ्लेक्शन होता है, स्ट्रेन क्या होती है del L/L। तो P1L1 A1E1 + P2L2 A2E2, और इंटू में वन, यहाँ पे 1/L1 और 1/L2। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगी, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगी, तो स्ट्रेन हमारी क्या बची, P1/A1E + P2/A2E, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्ट्रेन 2 निकालेंगे तो क्या होगा, PL/AE × L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P/AE। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, अलग अलग आ रही दोनों, ठीक है। तो मतलब दोनों क्या होगी, अलग अलग होंगी, और लेकिन हमारी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड कर रही है, P1 लोड कितना है इसमें, P1 कितना लग रहा है, P2 कितना लग रहा है, और A1 कितना है एरिया, इनकी डायमीटर्स कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कितनी डायमीटर्स हैं, ठीक है। अगर अपन इससे निकालें, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम से अगर निकालें तो ये क्या होगा, A1 × L/2 लिया है, तो L/2 + A2 × L/2, ये वॉल्यूम हो गया वन का, और सेकेंड का एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर A1 + A2, ये क्या हो जाएगा, A1 + A2 और इंटू में 1/2 आ जाएगा, और इक्वल टू ए,
तो ये क्या होगा, ए वन प्लस ए टू कितने बराबर होगा, 2a के बराबर हो जाएगा। ए वन प्लस ए टू इक्वल टू 2a। तो अगर यहाँ से अपन निकालें ये एरिया इतना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी हमारा क्या है सही से नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि लोड हमारे पास नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ द एबव या बुट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है 388, इसमें भी यही पूछा गया है। इन एबव बार शेप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज सेम देन स्टोर एनर्जी विल बी। अगर लोड हमें पता चल गया, तो लोड हमें पता चल गया तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इनमें दोनों में। लोड अगर पता है तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड दोनों में सेम है, तो ये पी वन प्लस पी टू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पी वन और पी टू सेम रहेगा, तो ये यहाँ पी भी सेम रहेगा और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हो गई, स्ट्रेस भी स्ट्रेन भी, तो सब कुछ बराबर रहेगा, तो स्ट्रेन एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, लोड भी सेम हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 389। ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन ए स्पेसिमेन विल इंड्यूस द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू इट्स ऑन प्लेन। ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है एक स्पेसिमेन पर, इंड्यूस्ड फॉलोइंग शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस क्या होगी उसमें वो पूछा गया है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन स्पेसिमेन विल इंड्यूस द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होगी टेंसाइल स्ट्रेस के कंपेरिजन में। तो इस तरीके से दिया गया, ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस होगी हमारी, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, थीटा एंगल दिया गया है, तो सिग्मा एन क्या होता है हमारा, सिग्मा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, और जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होती है, सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई है 45, थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा मतलब 90 क्या होता है, 1 होता है साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हमारी आएगी सिग्मा बाई टू। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 390। सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स एज कंपेयर टू सम ऑफ द एस एक्स एंड एस वाई। तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर लग रही कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर, तो वो क्या होती हैं, दोनों का समीशन किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है एस एक्स और एक्स वाई, जिसको अपन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिया है, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू ईच अदर, और दे आर इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन, दोनों प्रिंसिपल प्लेन से क्या होते हैं 45 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया सिग्मा वन, और ये सिग्मा टू प्रिंसिपल प्लेन हो गया, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है, और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है, दोनों क्या है 45 डिग्री पर है यहाँ से, और ये भी 45 डिग्री पर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों क्या होती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, बट अनलाइक इन नेचर, क्या लेकिन अनलाइक होती है नेचर में, क्या होती है, एक पॉजिटिव रहेगी तो एक नेगेटिव रहेगी, तो सिग्मा ये टाउ है थीटा एंगल पर, तो ये क्या है, और माइनस टाउ 90 थीटा पर, 90 प्लस थीटा, तो ये दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन अनलाइक इन नेचर, ठीक है। तो दोनों का समीशन किसके बराबर होता है, जीरो के। और सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो सम होता है, सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो ये थीटा सिग्मा एन इक्वल टू एट थीटा एंगल पर, और सिग्मा एल एट 90 प्लस थीटा एंगल पर किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की। तो इसका किसके बराबर हो जाएगी, समीशन के बराबर होगा, सम ऑफ स्ट्रेस मतलब सेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 391। थ्री बीम्स ऑफ सर्कुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसमें डेप्थ दी गई है ट्वाइस ऑफ द विड्थ रेक्टेंगुलर सेक्शन में एंड सेम लेंथ आर सब्जेक्टेड टू सेम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी सेम दिया गया है, इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज सेम देन लीस्ट वेट ऑफ द सेम मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर। तो लीस्ट मटेरियल, लीस्ट वेट किसमें होगा, जिसका एरिया कम होगा, ठीक है, एरिया कम होगा वो निकाल लेंगे अपन, जेड की वैल्यू जिसकी कम होगी उससे एरिया निकाल लेंगे। तो ये अपन क्वेश्चन अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सिग्मा भी सेम है जेड भी सेम है, सिग्मा अगर सेम है, मूवमेंट अगर सेम है, सिग्मा सेम है, तो जेड भी क्या हो जाएगा, सभी का सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में अच्छे से,
तो ए वन जो है सर्कुलर बीम के लिए अपना ए वन कितना आता है 1.11 ए स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर बीम के लिए कितना आता है ए टू 0.793 ए स्क्वायर, और स्क्वायर बीम के लिए कितना आता है ए स्क्वायर। तो सबसे कम एरिया किसका है, इसका है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कम है तो वेट भी हमारा क्या हो जाएगा, उसी का कम रहेगा, क्योंकि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 392। इसमें पूछ रहा है व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स शियरिंग फोर्स द शियर स्ट्रेस इन द अपर फाइबर विल बी। तो शियर स्ट्रेस क्या होगी अपर फाइबर में, वो पूछा गया है। व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स द शियर स्ट्रेस इन द अपर फाइबर विल बी। तो देख लेते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रेसेज। स्ट्रेसेज प्रोड्यूस बाई ईच लोड इंडिविजुअली, ये टॉर्सनल लोड लग रहा है, टॉर्क लग रहा है टी, इसके कारण अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये इस तरीके का हो रहा है। सरफेस पर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सेंटर में मिनिमम होता है। तो ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होती है टी पी अपॉन में जे। टी पी क्या है, टॉर्क है, और जे क्या है हमारा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर लोड कैसा लग रहा है हमारा, एक्सियल लोड लग रहा है, फोर्स एफ क्या है, ये एक्सियल लोड लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। तो ये क्या होगा, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेंडिंग स्ट्रेस का। तो ट्रांसवर्स एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है हमारी, सिग्मा एवरेज क्या होगी, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ये बेंडिंग लोड लग रहा है, अगर बेंडिंग लोड लग रहा है इस तरीके से, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है, बेंडिंग लोड या ट्रांसवर्स फोर्स। तो इस तरीके के केस में क्या होता है, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इस तरीके का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का मतलब सेंट यहाँ पे अंदर ज़्यादा रहेगा और सरफेस पर क्या रहेगी, स्ट्रेस जीरो रहती है। तो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इसमें क्या रहती है, टाउ भी इक्वल टू भी क्यू अपॉन में आई इंटू में टी, टी थिकनेस है, क्यू फोर्स हो गया इस तरीके से, ठीक है। और कंबाइंड लोड लग रहा, अगर ये लोड लग रहा है और ये एक्सियल लोड लग रहा है, कंबाइंड लोड लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके का टोटल शियर, इस तरीके का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का रहेगा। ये साइड कम रहेगा और इस साइड ज़्यादा रहेगा, और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के लोड के लिए अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो पूछा गया ट्रांसफर लोड के लिए पूछा गया है, तो ट्रांसफर लोड के लिए इसमें क्या हो रहा है, सरफेस पर जीरो है, तो ये अपर फाइबर पर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन अ फिक्स्ड बीम सपोर्टेड फॉर्मली एट बोथ एंड्स एंड लोडेड इन द सेंटर कंपेयर टू फ्रीली सपोर्टेड बीम विल बी। तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है फिक्स्ड बीम का, ठीक है, जो क्या फिक्स्ड बीम है एंड लोडेड इन सेंटर फ्रीली सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड बीम, तो वही जो अपन ने अभी देखा था, उल्टा करना है। फर्स्ट अपन ने देख सिंपली, ये फिक्स्ड बीम है, इसका कितना था 192 EI, और इसका कितना सिंपली सपोर्टेड है, तो ये कितना आ रहा था, बाई वन अपॉन में बाई टू निकालना है, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले पूछा गया था ये वाला रेशियो, पहले इसका और इसका रेशियो पूछा गया था, अभी इसका और इसका रेशियो पूछा गया है, तो उल्टा हो जाएगा, 4 आ रहा था, ये क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 394, इन अ फिक्स्ड बीम फर्मली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द लोकेशन ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम ईदर एंड विल बी। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, एक फिक्स्ड बीम है, बोथ एंड्स पर फिक्स्ड है, और क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है इस तरीके से, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, UDL लग रहा है, और ये फिक्स्ड है दोनों एंड्स पर। तो यहाँ पे इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है वो हमारा कैसा आता है, इस तरीके का आता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना, WL²/24 आता है। और यहाँ से अपन निकाल के देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहाँ होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, या यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है उस पॉइंट पर। तो यहाँ से अपन निकालते हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारा, एक्स इक्वल टू L/2 प्लस माइनस में L/2√3। UDL वाले केसेस दिए गए हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना आता है, L/4 आ जाता है, और इसके लिए हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है L/2 प्लस माइनस में
एल अपॉन टू अंडर रूट में थ्री, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत दिए गए हैं तो देख लेना फ्रेंड्स 394 के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 395। ए कंटिन्यूस बीम इज बन विच, तो कंटिन्यूस बीम क्या होती है, सपोर्टेड मोर देन टू सपोर्ट, दो से ज़्यादा सपोर्टेड पर सपोर्ट्स पर सपोर्टेड रहती है तो कंटिन्यूस बीम कहलाती है हमारी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक से ज़्यादा सपोर्ट रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 396। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट द सेंटर द बेंडिंग मोमेंट विल बी, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से और लोड कहाँ दिया है, सेंटर में दिया गया है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ होगा, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा ट्रायंगुलर, और यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है डब्ल्यू एल बाई फोर, तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो ये कितना हो जाए डब्ल्यू बाई टू, और ये डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में अगर लोड बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ एल बाई टू हो जाएगी, और डब्ल्यू बाई टू इंटू में एल बाई टू, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, ठीक है। वो कहाँ आएगा, सेंटर में मैक्सिमम आएगा, और एंड पॉइंट पर कितना रहता है जीरो रहता है, तो क्या होगा मैक्सिमम कहाँ हो रहेगा एट द सेंटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इसमें ऑप्शन में क्या दिया रहा है मिनिमम एट द सपोर्ट, ये सही ऑप्शन है, मिनिमम एट द सेंटर, सेंटर पर क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 397। बेंडिंग मोमेंट इन द सेंटर ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ एल फर्मली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स एंड हैविंग ए सेंट्रल लोड ऑफ डब्ल्यू, बेंडिंग मोमेंट निकालना है फर्मली सपोर्टेड मतलब फिक्स्ड बीम के लिए, तो ये वाला है, ये फिक्स्ड बीम है, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रापलेक्चर हमारा कितना आता है एक्स इक्वल टू आता है एल बाई फोर, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन दे दिए गए थे सिंपली सपोर्टेड वाले, उसमें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है बेंडिंग मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ द बीम में कितना होगा, तो बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम कितना आ रहा है, ये सेंटर पर कितना है डब्ल्यू एल बाई फोर, ये अपन निकाल के देख चुके हैं फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में अच्छे से, तो ये आप रिमेंबर कर लेना इसको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है डब्ल्यू एल बाई फोर एट द सेंटर, तो ये डब्ल्यू एल बाई एट आता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398। 398 में पूछा है व्हेन ए नंबर ऑफ लोड्स रेस्ट अपॉन ए बीम द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफ्लेक्शंस एट दिस पॉइंट ड्यू टू ईच ऑफ द लोड्स टेकन सेपरेटली, तो ये किसके कारण होता है, मैक्सवेल थ्योरम के कारण होता है फ्रेंड्स, ये हम देख चुके हैं अच्छे से, तो मैक्सवेल थ्योरम के द्वारा, रिसिप्रोकल थ्योरम के द्वारा द डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड्स अप्लाइड ऑन अ लीनियरली इलास्टिक बॉडी एट सर्टेन पॉइंट्स देयर डिफ्लेक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स, इलास्टिक बॉडी एट सर्टेन पॉइंट्स एंड देयर डिफ्लेक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स, अपन डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं किसी सर्टेन पॉइंट्स पर, कैसे, द वर्क डन बाय द सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेज इज द सेम एज डन बाय द सेकेंड सेट ऑफ फोर्सेज व्हेन एक्टिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट सेट ऑफ फोर्सेज, मतलब क्या है, जब फर्स्ट फोर्स के द्वारा जो जिस पॉइंट पर फर्स्ट फोर्स पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे अपने इतना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस पॉइंट पर, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और यहाँ पे निकालना है तो ये जो लोड है यहाँ पे लगा देंगे, इसके कारण हमें ये वाला डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तो ये लोड अपन ने यहाँ लगा दिया, ये वाला डिफ्लेक्शन मिल गया, तो ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 399। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन थिन वॉल सिलेंडर, तो हुप स्ट्रेस होती है हमारी पी डी अपॉन में टू टी, रेशियो निकालना हुप और लॉन्गिट्यूडिनल का, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है हमारी पी डी अपॉन में 40 होती है, तो 40 ऊपर हो जाएगा 40 अपॉन में पी डी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 400, नेक्स्ट क्वेश्चन है 400। द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग
ऑन अ बीम इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वर्क ऑफ डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स इज अकॉर्डिंग टू। तो ये भी अपन देख चुके हैं, ये किसके कारण होता है, जहाँ पर डिफॉर्मेशन विद वर्क डिफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट अपन डेरिवेटिव करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो क्या कहलाता है हमारा, कैस्टिग्लियानो थ्योरम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।